शेप में बैट का ग्लू आएगा, ये जो हमारे पास इंग्लैंड से आता है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको शेप देना। सबसे पहले इसको शेप दिया जाता है, उसके बाद इसमें हैंडल जॉइंट होता है। ये आपको एक प्रोसेस करके दिखाएंगे हम लोग। बैट में इस तरह से पहले वी निकाला जाता है। सबसे पहले वी निकालने के बाद हम सेम हमारा जो प्रोसेस है वो है बैट के हैंडल के साथ। ओके। बैट के हैंडल में भी हम वी निकालते हैं। ये बैट का हैंडल होगा। ओके। ये इस शेप में आएगा, फुल कैन हैंडल होगा, सिंगापुरी हैंडल। सिंगापुर हैंडल। ये इस तरह की शेप में होगा, इसको भी हम वी शेप ही देंगे। हमारा शेप बिलो का और हैंडल का, दोनों का शेप सेम हो गया है। ओके। फिर इसका प्रोसेस है, आपको इसको सेट करके इसको पूरा कंप्लीट जॉइंट तक इसको मिलाया जाता है। जॉइंट मिलाने के बाद हम इसको पूरा एक दिन के लिए इसको रख देते हैं, फेविकोल लगाने के बाद में। मशीन के अंदर क्या हम इसको रख देंगे, फिर ये जॉइंट हो जाएगा। जॉइंट होने के बाद इसका नेक्स्ट डे हम इसको प्रोसेस करेंगे बनाने के लिए। हैंडल लगने के बाद ये इस कंडीशन में आ जाता है। ये इसको हाथ से शेप दिया जाता है। शेप होने के बाद में ये जो बैट आएगा वो इस तरह से बैट आएगा। इसको हम कोई भी कस्टमाइज शेप दे सकते हैं, जैसे आजकल चल रहा है वेट, किसी को बॉटम पे चाहिए, मिडल में चाहिए, थोड़ा ऊपर चाहिए, तो वो हम कस्टमाइज उसके कस्टमर के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से। हम वुड प्रेस होने से पहले बहुत लाइट होता है, मतलब उसमें अगर आपका जब बॉल पंच करेगा तो वो उतनी स्पीड से रन नहीं करेगा, ट्रेवल नहीं करेगा, राइट। तो ये प्रेसिंग का इसका बहुत टेक्निकल पॉइंट्स हैं कि आप हम पहले वुड को प्रेस करते हैं, फिर हैंडल लगाने के बाद फिर उसको पानी में भिगोया जाता है, फिर उसको प्रेस किया जाता है, फिर उसको शेप दिया जाता है, उसके बाद एक थर्ड राउंड होता है जो उसको हम लोग प्रेस करते हैं। This is the final batch. हम लोग गारंटी देते हैं कि अगर बैट्स का हैंडल निकलेगा तो वो जब तक बैट रहेगा उसका हैंडल निकलने की हम गारंटी देते हैं। ओके। तो बैट का हैंडल निकलेगा नहीं। अच्छा। वो जब तक ही जान उसके तोड़ा ना जाए। ओके।